किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए उस एग्जामिनेशन की टोटल इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, और इसी इंटेंशन से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ हम जेई का पूरा एनालिसिस, आपको क्या हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए, आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना है हर स्टेप पे, ये रेगुलर वीडियोज लेके आऊंगा। हर वीक हम दो वीडियोज रिलीज करने वाले हैं जेई मेन 2025 के लिए, ताकि आप फुल इन्फॉर्म्ड रहें कि एनटीए किस तरीके से जेई मेन 2025 बनाने वाला है, आपको क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक्स यूज कर सकते हो, एंड टॉपर्स से इनसाइट्स हम आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपको कोई कमी नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन में, मेंटोरशिप में, एंड आपके सक्सेस में। तो सब्सक्राइब कर लो अगर आप यहाँ पे नए हो, लाइक कर दो वीडियो को, एंड नीचे जाके कमेंट कर दो जेई मेन 2025 फोड़ूंगा या फोड़ूंगी। अगर ये कमेंट आपने कर दिया है तो आप जुड़ गए हो इस वीडियो एंड इस चैनल के पर्पस से, एंड आज की वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया होगा, जेई मेंस फिजिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स जो जेई मेन में एनटीए ने 2024 में सबसे ज़्यादा फोकस किया है जिन पे। इसका पर्पस क्या है, अगर आप जान जाते हैं कौन से ये चैप्टर्स हैं, कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से आए हैं, एंड टॉप 10 चैप्टर्स ऐसे कौन से हैं जिसमें से 50% क्वेश्चंस आए हैं, ये चैप्टर्स के नाम जान के यू विल गेट टू नो व्हाट आर द चैप्टर्स यू शुड कीप अ स्पेशल आई आउट फॉर जब भी आपकी प्रेपरेशन में ये चैप्टर्स आए, या अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपको रिविजन पे किस पे फोकस करना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको उसमें हेल्प करेगी। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। My name is Iknur Singh, and आज की वीडियो में हम जे मेन्स फिजिक्स के टॉप चैप्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड खास करके मैं आपको ऐसे 11 चैप्टर्स टू बी प्रिसाइज बताऊंगा जो अप्रैल एंड जनवरी की अटेम्प्ट मिला के सबसे ज्यादा वेटेज, 50% ऑफ द टोटल क्वेश्चन जो जे मेन 2024 के बनाए एनटीए ने, वो सिर्फ इन 11 चैप्टर्स में से बनाए हैं। तो शुरू करने से पहले जल्दी से ये सुन लो जरा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी क्विकली टॉक अबाउट द न्यूली अपडेटेड ऑसवाल 164 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जे मेन्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की बुक जो आपके लिए अवेलेबल हो गई है ऑसवाल की तरफ से। सो द चैप्टर्स वी आर डिस्कसिंग हियर, आपको अगर उसको चैप्टर वाइज प्रिपेयर करना है, सो दिस बुक इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली कंसिडर बाइंग, बिकॉज की 146 ऑनलाइन पेपर्स 2012 से 2024 एंड 18 ऑफलाइन 2002 से 2018 के 100% अपडेटेड पेपर्स इस बुक में आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग 2024 के 20 सेट्स ऑफ पेपर्स। देर आर एक्सटेंसिव 2000 प्लस इन फिजिक्स, 1700 प्लस इन केमिस्ट्री, 1300 प्लस इन मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैप्टर वाइज, ऑन टिप्स, नोट्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस, माइंड मैप्स, निमोनिक्स, अपेंडिक्स, ये सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएगा। वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स आपको इस बुक में मिलते हैं, विच इज माय फेवरेट, बिकॉज ये जेई मेन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने में हेल्प करता है आपको। 100% एग्जाम रेडीनेस के लिए आपको 5 ईयर्स चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी मिल रही है 2020 से लेकर 2024 तक की। सो चेक इट आउट, इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन डेफिनेटली गो बाय इट एट द स्पेशल प्राइसेस जिससे पहले इसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं यार इस वीडियो में क्या है वो चैप्टर्स जिन पे हमें फोकस करना है। ओके, सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको लेने वाला हूं चैप्टर का नाम, अप्रैल में कितने क्वेश्चंस थे एंड जनवरी में कितने क्वेश्चंस थे, एंड रफली मैं हाईएस्ट वेटेड चैप्टर से लोएस्ट वेटेड चैप्टर की तरफ जा रहा हूंगा। आपका काम क्या है, आपका काम है इन चैप्टर्स का नोट करना, आपको एक मेंटल नोट करना है या फिर फिजिकल नोट आप कर लीजिए, स्पेशली इन टॉप 11 चैप्टर्स के, सो दैट यू नो व्हाट चैप्टर्स यू हैव टू फोकस ऑन। सबसे पहला चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स रहा है जेई मेन्स 2024 में, एंड अप्रैल में 23 क्वेश्चंस एंड जनवरी में 29 क्वेश्चंस के साथ ये बनता है सबसे हाईएस्ट वेटेड चैप्टर, एंड इट्स रिलेटिवली इजी, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए, एंड सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी करेक्ट, एंड इतने सारे मार्क्स आपके हो सकते हैं, आपके पेपर में भी इसका हायर वेटेज आने का काफी चांस है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स 20 क्वेश्चंस इन अप्रैल, 17 क्वेश्चंस इन जनवरी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इज अ वेरी जेई मेन सेंट्रिक चैप्टर, एंड जेई एडवांस में हार्डली इसके क्वेश्चन आजकल देखे जा रहे हैं, बट जेई मेन्स इस पर खास फोकस करता है क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल एंड एनसीईआरटी स्किल्स काफी अच्छे से टेस्ट करता है।
है, सो यू हैव टू कीप स्पेशल अटेंशन टू दैट. अगर आपने जेई स्टार्ट किया है तो हायर चांस है कि आप फिजिक्स में ये चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हो, तो जाके इस क्वेश्चन सॉल्व करो एंड पीवाईक्यूज देखो ऑलरेडी. एंड नेक्स्ट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. ये 17 एंड 16 क्वेश्चन अप्रैल एंड जनवरी में पूछे गए हैं. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 3rd नंबर पे आता है. 4th इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. ये 16 अप्रैल में एंड 12 जनवरी में पूछे गए हैं. 16 क्वेश्चंस एंड 12 क्वेश्चंस के साथ ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स 4th नंबर पे आ रहा है. एंड अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी फॉर्मूला बेस्ड एंड वेरी डायरेक्ट इसके क्वेश्चन होते हैं, तो ईजी मार्क्स हैं ये आपके लिए. इस चैप्टर को आप जरूर अच्छे से पढ़िए एंड इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर 12 क्वेश्चन के साथ इज नेक्स्ट. 6th पे आ रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट 13 एंड 11 क्वेश्चंस के साथ. वर्क एनर्जी एंड पावर 11 एंड 12 क्वेश्चंस के साथ. इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स 11 एंड 12 क्वेश्चंस के साथ. ग्रेविटेशन अगेन 11 और 11 क्वेश्चंस के साथ. सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स ये है 12 और 10 क्वेश्चंस. फाइनली 11वां चैप्टर आपके टॉप 50% वाले क्वेश्चंस के लिए इज एटम्स, जो कि 11 और 11 क्वेश्चंस हैं दोनों अप्रैल और जनवरी में. तो ये हैं टॉप 11 चैप्टर्स. आप इसका नोट कीजिए जरूर. इफ यू वांट आप नीचे कमेंट्स में जाके इसको वो कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर पीपल ऑल्सो. बट रफली ये हैं क्वेश्चन जो आपके मेजोरिटी वेटेज होल्ड कर रहे हैं, 50% वेटेज होल्ड कर रहे हैं. आगे मैं बात करूं अगर तो वेव ऑप्टिक्स, रोटेशनल मोशन, न्यूक्लियाई, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स हैं जो काफी हाई वेटेज होल्ड कर रहे हैं एंड काफी फ्रीक्वेंटली टेस्ट हो रहे हैं. बाकी जितने चैप्टर्स हैं इसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ये वो लिस्ट है विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अप्रैल एंड जनवरी, जो स्लाइटली लोअर वेटेड चैप्टर्स हैं. बट दैट डज नॉट मीन कि अगर 2024 में कम आए हैं तो 2025 में भी कम आएंगे. ओनली एंड ओनली पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज अगर आपका टाइम कम है एंड आपको हैंड पिक करना है कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, देन दिस इज द वे टू गो अहेड. स्टार्ट विद द हायर वेटेड चैप्टर्स, स्टार्ट विद द चैप्टर्स जिनका चांस ज्यादा है एग्जाम में आने का. एंड अपनी इंप्रूवमेंट भी पहले इन्हीं चैप्टर्स में करो, रिविजन स्टार्ट अब इन्हीं चैप्टर्स से करो. बिकॉज इफ यू हैव टू गेट गुड इन सम चैप्टर, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, गेट गुड इन द वंस जिसकी प्रॉबिबिलिटी, जिसके ऑड्स एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा हैं. अगर आप केमिस्ट्री और मैथ्स की भी ऐसी वीडियो चाह रहे हैं नीचे जाके कमेंट कर दो. एंड सीरीज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. माय नेम इज इकनूर सिंह. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो. बाय.